Everyone, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. In our previous video, I have discussed the solutions of exercise 7.2 from question number 1 to 25. So if you have not watched that video, then you can get the link in the description box. You can just click over there to see the solutions from question number 1 to 25. Today I am going to start from question number 26 onwards. So let's start now. Friends, here question number 26 is cos square root x upon root x. See, first of all, you have to do substitution method. Substitution method से हमें find out करना आता है कि हमें किस function की value t suppose करे, so हमें उसका derivative as it is function मिल जाए अपने question के अंदर. So you can just see here root x, यहाँ पे cos theta का theta जो है हमारा root x है, so हम यहाँ पे assume करेंगे कि root x की value t put कर लेंगे, cos t बन जाए ताकि ये. And now everybody knows that root x का derivative जो होता है वो 1/2 root x होता है. So 1/2 root x dx is equal to dt. Question में मेरे पास already पड़ा हुआ 1/√x dx. So from here you get 1/√x dx is equal to 2, वहाँ पे shift हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 dt. तो यहाँ पे root x, ये 1/2 root x I think आपको समझ आ गया होगा कि ये actual में x raised to power 1/2 है. सो एक्स एज टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी. सो ये हो जाता है 1/2 एक्स एज टू पावर -1/2, और -1/2 को आप 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं. तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन आया है. तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हमने किया हुआ ये डेरिवेटिव्स. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो कॉज ये वाले रूट एक्स की वैल्यू टी है, और ये जो आपका 1/√x dx है, ये जो 1/√x dx है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में 2 dt आई है. सो जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द क्वेश्चन, 2 इज अ कॉन्स्टेंट सो यू कैन टेक इट आउटसाइड, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज साइन टी, एंड ऑफकोर्स प्लस सी विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बस आप इसमें फाइनली टी की वैल्यू को पुट कर देंगे. सो वॉट इज टी हेयर, दिस इज रूट एक्स. So this is our answer, please note down. So students, our next question is question number 27, that is integration of square root of sine 2x into cos 2x dx. So I hope so कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैं उससे ही बिल्कुल को रिलेट करना चाहूँगी. यहाँ पे फंक्शन जो है, मैंने आपको बताया था कि इफ़ वेन एवर द फंक्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिकल, और एनी फंक्शन विच इज़ हैविंग अ पावर इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिकल. यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट डिनोट करती है पावर 1/2 को, विच इज़ अ रेडिकल. तो जब भी इस टाइप का हो तो हमें फंक्शन की वैल्यू उसी फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करनी होती है जिससे कि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए. अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर मैं यहाँ पे साइन 2x की वैल्यू टी स्क्वायर पुट कर दूंगी तो डेफिनेटली टी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरा फंक्शन बहुत ही सिंपल हो जाएगा. और वैसे भी आपको पता है साइन का डेरीवेटिव कॉज होता है, तो वो एक्चुअली आपका पड़ा हुआ डेरीवेटिव, तो बहुत ही ईजी है. तो हम यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए साइन 2x की वैल्यू जो है वो टी स्क्वायर पुट कर लेंगे. आप टी से भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, बट इससे डेफिनेटली बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन. तो साइन 2x का, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2x. साथ में चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t dt. सो वी कैन कैंसल 2 फ्रॉम बोथ साइड. सो वट डू यू गेट, कॉस 2x dx इज इक्वल टू t dt. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, वट डू यू गेट. सो दिस इज टी स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2x dx इज इक्वल टू t dt. नाउ वॉट एवरीथिंग, एवरी वन नोज दैट वॉट डज इट बिकम, इट बिकम्स t इंटू टी विल बिकम टी स्क्वायर. सो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल, टी रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, दैट इज 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी. फाइनली आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने टी सपोज किया था. यहाँ पे टी की वैल्यू है साइन 2x की पावर 1/2. आप यहाँ से लिख सकते हैं टी की वैल्यू, यहाँ से साइन 2x की वैल्यू 1/2 आ जाएगा. तो जब आप यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे साइन 2x की पावर 1/2, और 2+1 क्या हो जाएगा, 3. तो 3 × 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2. तो सिंपली ये आ चुका है साइन 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी. सो दिस इज आर आंसर.
So students, our next question number 28, that is integration of cos x upon square root of 1 plus sin x. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखे रहे कि दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव, बट प्रॉब्लम अगेन सेम दैट फंक्शन इज इन द स्क्वायर रूट. तो मैंने अभी आपको जो बताया, अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए तो बेटर टू पुट द वैल्यू इन द सेम वे एज वी आर हैविंग द रेडिकल. यहाँ पे रेडिकल है पावर 1/2, तो हम इसकी वैल्यू टी स्क्वायर पुट करने वाले हैं जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया. तो यहाँ से हम 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी स्क्वायर के इक्वल. नाउ 1 डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स डी एक्स. सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt. Just put the value. This is cos x dx. So we can put the value. इसकी value 2t dt put कर देंगे. तो 2 तो constant है. We can take it outside. तो t dt बचेगा. और नीचे आपका square root of t square बचेगा. जो कि actual में cancel ही हो जाएगा. क्योंकि square root of t square क्या होता है? t. तो t से t cancel हो जाएगा. और ये 1 बचेगा. And the integration of 1 with respect to t will become t. So the value of t from here you get t is equal to square root of 1 plus sin x. So बस यहाँ पे t की value को put कर देंगे and you get the answer. Please note down. Let's start our next question number 29, that is integration of cot x into log sin x dx. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको function identify करना है कि what is the function and what is the derivative. तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो देखिए log sin x है. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका डेफिनेटली cot x आ जाएगा. देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है, कोई रेडिकल पावर नहीं. तो सिंपली वी कैन जस्ट पुट log sin x इज इक्वल टू t. नाउ एवरीबडी नोज log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x. तो यहाँ पे log sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/sin x. साथ में चेन रूल से sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. और फिर से x का डेरिवेटिव दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ना कॉज अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कॉट एक्स. सो कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो वही मैंने आपको कहा कि यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड यू विल गेट द डेरिवेटिव. तो ये मेरा कॉट एक्स डी एक्स एक्चुअल में क्वेश्चन में पड़ा हुआ है. और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? डी टी के इक्वल है. ये डी टी पुट कर देंगे एंड लॉग साइन एक्स आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है? टी. नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ टी विल बिकम टी रेस टू पावर 1 है ये. तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2/2 प्लस सी. जस्ट पुट द वैल्यू टी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. सो दिस इज आवर आंसर. प्लीज नोट डाउन. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स. इसमें तो सब कुछ ही डायरेक्ट दे रखा है. ये है फंक्शन और ये उसका पड़ा हुआ है डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हम 1 प्लस कॉज एक्स को टी पुट करेंगे एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. कॉज एक्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. फ्रॉम हेयर आई विल गेट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम माइनस डी टी. ये मैंने साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है जो न्यूमरेटर में पड़ी हुई है. तो इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस डी टी एंड दिस आई अज्यूम टी. सो द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज लॉग टी. तो बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन. तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी. द वैल्यू ऑफ टी इज 1 प्लस कॉज एक्स. सो आंसर इज माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी. प्लीज नोट डाउन. सो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर 30th क्वेश्चन की तरह है. क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर. वहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर पावर नहीं थी, बाकी सारे स्टेप्स तो सेम ही हैं. हम यहाँ पे वही सेम 1 प्लस कॉज एक्स को क्या सपोज करने वाले हैं? टी. यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा? डी टी. तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव. यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जैसे आपने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में किया है. तो ये हो गया माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर. अब टी स्क्वायर को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इट कैन बी रिटर्न एज टी रेस टू पावर माइनस 2 dt. नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन. सो द आंसर इज एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी विच फाइनली बिकम्स माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1. और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस.
सो ये नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा और टी रेज टू पावर माइनस वन बचेगा, जिसको हम 1/t लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा 1/t + c। बट टी की वैल्यू को आपने यूज़ करना है, तो टी की वैल्यू जो आपने सब्सटीट्यूट की थी, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन द फाइनल आंसर एंड यू विल गेट द आंसर 1/1 cos x + c। प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 cot x। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का आपको एग्जाम्पल ने भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? 1/1 cot x dx। तो ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह इस टाइप का आ जाए, 1/1 tan x और 1/1 - tan x, 1/1 cot x और 1 - 1 cot x, सॉरी 1/1 cot x, तो कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे टेन आ सकता है, यहाँ पे कॉट आ सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है। तो सब में क्वेश्चन के जो स्टेप्स है वो बिल्कुल ही सेम रहेंगे। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग एंड द रेस्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ इन द सेम वे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो कॉट एक्स कैन बी रिटन एक्स कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। कॉट क्या होता है? कॉज अपॉन साइन। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और ये जो साइन एक्स हमारा एलसीएम में है, दिस विल बी शिफ्टेड टू द न्यूमरेटर। तो ये मेरा बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब इस क्वेश्चन में ये है कि ना हमें पूरा एज इट इज फंक्शन मिल रहा है और ना एज इट इज उसका डेरिवेटिव मिल रहा है। तो इसमें टू स्टेप्स है जो हमें एज अ पॉइंट टू रिमेंबर, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डू टू स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टू, दैट इज डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय टू। तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसकी वजह से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। नाउ 2 साइन एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस साइन एक्स। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। और फिर एक और स्टेप, एक तो ये स्टेप है हमारा, दिस यू कैन मार्क एट हैश कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कॉज एक्स। एक कॉज एक्स ऐड करेंगे और एक कॉज एक्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप कहोगे मैम इसमें इतना कुछ ध्यान रखना पड़ता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका टेन एक्स कॉट एक्स प्लस में हो या माइनस में हो, मीन्स 1 - cot x हो या 1 + cot x हो, 1 + tan x हो या 1 - tan x हो। अभी आप देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ वहाँ पे 1 - tan x है। तो उसमें भी यही सारे प्रोसीजर करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक कॉज एक्स ऐड किया, एक कॉज एक्स सब्ट्रैक्ट किया। अभी आपको रीज़न पता चल जाएगा कि हम लोग ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। तो नीचे हमारा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो एक फैक्टर हमने साइन एक्स प्लस कॉज एक्स मेरा एज इट इज बन चुका है यहाँ पे, और एक फैक्टर मेरा बचेगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको इसके नीचे सेपरेट करोगे, मतलब एलसीएम के अकॉर्डिंग आप सेपरेट कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा पूरा, और दूसरे इंटीग्रेशन में हमारा टर्म बचेगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अभी आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शन बन चुका है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो पहले आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा x होता है, ये x एज इट इज़ लिख देंगे, और अभी इस इंटीग्रेशन को आप एज इट इज़ लिखिए, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। तो अभी आप यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है नीचे वहाँ पे उसका ऊपर डेरिवेटिव आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सपोज कर लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को सपोज कर लेंगे टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज, और कॉज का क्या होता है? माइनस साइन।
साथ में x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब आपने जस्ट इसको न्यूमिरेटर से कंपेयर करना है। न्यूमिरेटर में अगर हम कंपेयर करें तो cos मेरा नेगेटिव है और sin मेरा पॉजिटिव है, मतलब रिवर्स साइड से है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें वही फंक्शन बनाना है। ये वही फॉर्म है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली, तो ये आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव साइन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये माइनस डी टी बस आपने वहाँ पे पुट कर देना है, सो ये आ जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ चुकी है डी टी, और ये क्या आ जाएगा टी। तो वन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी। तो हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर आ चुका है लॉग टी प्लस सी। अभी टी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, सो टी की वैल्यू जो हमने पुट की थी या सब्स्टिट्यूट की थी विल जस्ट पुट दैट वैल्यू। सो हेयर वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, सो दिस इज साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेनी टाइम्स इट हैज कम इन द बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स। तो अभी अभी हमने 32 किया, उसमें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा कॉट आ जाए 10 आ जाए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप। सो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट से मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बाकी आप लोग सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजिली जिसको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है। इस तरह से आप एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, वो 1 प्लस 10 एक्स है, सिर्फ यहाँ प्लस है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो वही है 10 को हम साइन अपॉन कॉज में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और ये कॉज एक्स हमारा न्यूमिरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। फिर से वही स्टेप, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर से 2 कॉज एक्स को हमने ब्रेक कर दिया कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स। अब डेरिवेटिव बनाने के लिए वहाँ पे हमने एक कॉज एक्स और कॉज एक्स सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे कॉज पड़ा हुआ तो हमें क्या चाहिए साइन, इसलिए साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखेंगे नीचे क्या फैक्टर है, एक फैक्टर आपको ऑटोमेटिकली वैसा बन जाएगा हमेशा, तो यहाँ पे बन रहा है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स लूँ, तो मैंने एक फैक्टर ले लिया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, जो रिमेनिंग मेरा बचा क्या कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, वो इधर लिख दिया अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज। तो आप नेक्स्ट फैक्टर में पता है ये जब आप इसको ओपन करोगे दिस अपॉन दिस सेम फैक्टर है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, यहाँ पे बचेगा वन और यहाँ पे आएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा एक्स, और ये हमने फंक्शन एज इट इज लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में वही सारा कुछ करने का क्या बेनिफिट हो जाता है, दैट वी गेट द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। सो यू कैन जस्ट सी हेयर दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स, हाउ जस्ट सी, लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू टी, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, साइन का क्या होता है कॉज, ये दोनों नेगेटिव में आए हैं बल्कि हमें क्वेश्चन में दोनों किस में चाहिए पॉजिटिव में। तो हार्डली मैटर यू कैन टेक नेगेटिव कॉमन, जब आप नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो वॉट डज इट बिकम, बोथ विल बिकम पॉजिटिव। सो ये नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव उस साइड शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ से कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी टी। अब क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करो ये कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस डी टी, और इसको आपने क्या सपोज करा है टी। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, और फिर से आपने टी की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट किया था कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम स्टेप्स है, नो डिफरेंस इन बोथ दिस क्वेश्चंस, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप एंड सेम, इफ देर इज वन प्लस टेन एक्स और इफ देर इज वन माइनस कॉट एक्स देन यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स कॉज एक्स। अब इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे जो क्या करते हैं यहाँ पे 10 की फॉर्म को चेंज कर लेते हैं साइन अपॉन कॉज, उससे क्या है आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट वी हैव टू फॉलो द सिंपल वे। तो सिंपली वे में यहाँ पे एक हैश लगा सकते हो आप, इसमें हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। अभी आपको रीज़न पता चल जाएगा ऐसा क्यों। देखिए इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं जो थोड़े से आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएंगे कि व्हाट वी हैव टू डू।
यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो उसका बेनिफिट देखिए क्या होएगा, ये स्क्वायर रूट 10x है और ये 1/cos² x को हम क्या लिख सकते हैं, सिकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1/cos क्या होता है सिकेंड, स्क्वायर में है तो क्या बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स, और ये वाले कॉस एक्स है ये वाला कॉस एक्स है कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा 10x। मतलब मैंने क्या किया, इस 10 को साइन और कॉस में चेंज करने के बजाय मैंने इस साइन और कॉस को ही 10 बना दिया। ऐसा किसलिए किया, क्योंकि अब तो सारे बच्चों को देख के आइडिया पता चल ही गया होगा कि मैम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 10x है और यहाँ पे 10x है, तो ये एक स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट में बच जाएगा। मतलब आप इस 10x को लिख सकते हो स्क्वायर रूट 10x का होल स्क्वायर, तो एक फैक्टर से यहाँ पे 2 फैक्टर है यहाँ पे 1 है कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक बच जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ f(x)/f(x), लेकिन जो फंक्शन पड़ा हुआ है वो हमारा किस में पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट में। तो जब भी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट है कोई रेडिकल पावर है तो आप उसकी वैल्यू उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहाँ से 10x की वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे, टी स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर रूट से बाहर इजीली आ जाए। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t dt। नेक्स्ट स्टेप में सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़ पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 2t dt। तो 2 इज़ ए कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक इट आउटसाइड एंड इनसाइड यू विल गेट t dt। एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव अज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ एक टी बचेगा। तो अब आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुका है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंथी तरीके से सॉल्व होगा, तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। अभी 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना बहुत ईजी है, टी आ जाएगा और टी की वैल्यू फाइनली हम पुट कर देंगे। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा टी की वैल्यू, √10x। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, 2√10x + c। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 35th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos log x whole square upon x dx। सो इन दिस क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू identify what is the function and what is its derivative. You can just clearly see here that 1 + log x, ये हमारा function है और इसका derivative करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 1/x dx हमारे पास आ जाएगा। So this is very simple question. We are just going to take 1 + log x = t. So let us take 1 + log x = t. The derivative of 1 will become 0 and भी log x का derivative क्या आ जाएगा, 1/x dx = dt आ जाएगा। बस इसकी वैल्यू को आप टी पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, और ये आपका एक्चुअल में 1/x dx है, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ चुकी है, dt। तो ये तो क्वेश्चन एक लाइन का था। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³/3 बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x^n = x^n+1/n+1। टी की वैल्यू को बस आप पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + log x³/3 + c। वेरी सिंपल, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x+1 × x + log x² / x dx। नाउ इन दिस फंक्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई वॉट इज द फंक्शन एंड वॉट इज इट्स डेरिवेटिव। इफ यू विल जस्ट सी ओवर देयर, द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, सो यू हैव टू मेक 1 + 1/x। सो वो हम यहाँ पे इजिली बना सकते हैं, इस x+1 के नीचे x ले लो और इसको आप सेपरेटली लिख दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है कि मैं 1 + 1x बना सकती हूँ। इस x के नीचे x लिखेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 1/x हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुका है। एक तरफ आपको फंक्शन दिख रहा है और दूसरी साइड उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + log x को हम क्या सपोज कर लेंगे, t। क्लियर है, हम इसकी पावर नहीं लेंगे क्योंकि पावर में तो फिर ये चेन रूल से 2 पावर आगे आ जाएगी, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिर्फ जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना उस सिर्फ उस फंक्शन को लेना है, वी डोंट टेक द पावर। सो द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x।
dx इज इक्वल टू dt, तो ये मेरे पास एज इट इज पड़ा हुआ 1 प्लस 1 बाय एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू dt है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास dt, और इस वैल्यू को मैंने क्या सपोज किया हुआ है t, और इसके पर पावर है 2, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x एस टू पर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अब x एस टू पर n प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में बस हमेशा की तरह t की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर, x प्लस log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू साइन 10 इनवर्स x एस टू पर 4 अपॉन 1 प्लस x एस टू पर 8 dx। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको टाइम लग रहा है सोचने में कि क्या फंक्शन है और क्या डेरिवेटिव है, तो भाई सिंपल सी ट्रिक सोच लो, जब भी साइन का जो थीटा है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखे तो वो थीटा ही आपको आंसर देगा। अगर ध्यान से देखिए तो 10 इनवर्स एक्स एस टू पर 4 का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है आपका ऑलरेडी, तो सपोज करते हैं यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा क्लियरली कैसे मैं बोल रही हूँ। सो 10 इनवर्स एक्स एस टू पर 4 को हम टी सपोज कर लेंगे। नाउ एवरीबडी नोज दैट द डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स एक्स, जो 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे जो भी थीटा है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूंगी तो यहाँ पे थीटा है मेरा एक्स एस टू पर 4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। साथ में चेन रूल से हम x4 का भी डेरिवेटिव करेंगे x एस टू पावर 4, और साथ में dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। नेक्स्ट स्टेप में x एस टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 dx इज इक्वल टू dt। नाउ जस्ट कंपेयर विद द टर्म गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन यू कैन सी हियर यू आर हैविंग x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x एस टू पर 8, तो बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे 4 नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ये 4 कांस्टेंट है इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहां से x क्यूब अपॉन 1 प्लस x एस टू पर 8 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय 4 dt, तो यहां से हमारे पास 1 अपॉन 4 dt आ जाएगा। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, और ये एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स एस टू पर 8 dx की वैल्यू है dt, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, और इस फंक्शन को आपने सपोज किया हुआ है t, तो बहुत ही सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। नाउ एवरीबडी नोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t इज माइनस cos t, सो आंसर इज माइनस 1 बाय 4 cos t प्लस c, सो माइनस 1 बाय 4 cos, द वैल्यू ऑफ t इज हेयर 10 इनवर्स x एस टू पावर 4, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t यू गेट द आंसर, दिस इज जस्ट द फॉर्मूला आई हैव यूज्ड हियर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स द लास्ट टू क्वेश्चन इज ऑफ एमसीक्यू टाइप दैट इज फॉर 1 मार्क ओनली, तो थोड़ा सा हम इसको सोचते हैं फटाफट से करने के लिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज टू पावर 9 प्लस 10x 10 इज टू पावर x log e 10 अपॉन x इज टू पावर 10 प्लस 10 इज टू पावर x dx। तो पहले तो फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो, ये रहा आपका फंक्शन और ये रहा उसका डेरिवेटिव, देख सकते हैं x एस टू पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 10 एक्स एस टू पावर 9, और 10 रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये एक्चुअल में कौन सी फॉर्म में है, a रेस टू पावर x फॉर्म में है, a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू पावर x इंटू log a, तो log a हमारा 10 है, तो ये फॉर्म बहुत ही ईजी है, देख लेते इसका सोल्यूशन। सो यहां पर ये आ जाएगा log e 10 अपॉन x एस टू पावर 10 प्लस 10 रेस टू पावर x dx। तो यहां पे मैं फंक्शन को क्या सपोज कर लूंगी t, तो ये x एस टू पावर 10 का डेरिवेटिव होता है 10 x एस टू पावर 9, सबको पता है x एस टू पावर n का डेरिवेटिव n x एस टू पावर n माइनस 1, प्लस ये आपका कौन सी फॉर्म का है a रेस टू पावर x का, तो a रेस टू पावर x जिन बच्चों को नहीं पता वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां से, a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू पावर x इंटू log a, तो यहां पे आ जाएगा a रेस टू पावर x यानी कि 10 रेस टू पावर x एज इट इज रहेगा, साथ में log a यानी कि log 10, इन्होंने क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए log e लिखा हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए यहां पे आपके पास फॉर्मूला होता है log a b का,
लॉग बी, मतलब ये बेस में अगर ए कुछ भी हो तो ये लॉग बी न्यूमरेटर में आ जाएगा और लॉग ए नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे लॉग ई एक्सपोनेंशियल 10 इज इक्वल टू, दैट कैन बी रिटन एज लॉग 10 अपॉन लॉग ई। तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये एक्चुअल में लॉग 10 ही होता है, इसके बेस में अगर एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं तो हार्डली मैटर, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो सिर्फ इस फॉर्म में दिखाने के लिए। ये आपका आ चुका है डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बन चुका है और नीचे हमारा फंक्शन है, बस इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी। तो सबको पता है शॉर्टकट तरीका इसका, वैसे भी मैं पहले ही बता देता कि जब भी आपका फंक्शन इस टाइप का हो, डायरेक्ट नीचे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर लॉग एफ एक्स है। तो लॉग एफ एक्स बस ढूंढ लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे लॉग एफ एक्स ये रहा मेरा आंसर, आंसर डी आने वाला है। तो लॉग टी प्लस सी आएगा, तो लॉग टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो देख सकते हो आपका आंसर डी पार्ट है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। शॉर्टकट मेथड से आप ऐसे ही कर सकेंगे, बस यहाँ पे देखना है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म का है, तो बस इसका आंसर लॉग एफ एक्स आएगा। प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो एक तो शॉर्टकट मेथड ये है कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लीजिए, जिसका आंसर ये आ जाएगा वो ऑप्शन है। पर अगर आप एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और क्योंकि हमें न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा तो न्यूमरेटर में हमारा 1 है, यहाँ पे 1 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्म में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे आप इसको सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना अपना डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। डिनोमिनेटर में साइन और कॉस पड़ा हुआ तो आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो साइन और कॉस वाला ही यूज करेंगे। ऐसा करने का क्या बेनिफिट होगा कि आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस स्टेप में क्या हो गया है, हमारा फंक्शन जो है सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दोगे और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सिकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब तो सब बच्चों को आइडेंटिफाई हो गया होगा कि ये सिकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, 10x का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इंटीग्रेशन सिकेंट एक्स का क्या आ जाएगा 10x। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है माइनस कॉटेक्स, क्योंकि कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस कॉटेक्स आएगा प्लस सी। अब चेक कर लो आपके सारे ऑप्शन में से कौन सा है, तो यह है आपका ऑप्शन बी, तो बी करेक्ट आंसर है। प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। द बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड देन इट्स डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है नीचे फंक्शन है तो यू कैन जस्ट राइट द आंसर करेक्टली लॉग एफ एक्स प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन है। आई होप सो दैट यू हैव लाइक्ड माई वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट गिवन इन दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अलीशा मैथ्स क्लासेस।